इस कानून से माइनॉरिटीज से क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन होगा, यहाँ के माइनॉरिटीज से यहाँ फिर वही बात घूम कर आ जाए, बिल्कुल होगा। मैं आप डरा रहे हैं, बिल्कुल होगा। वैसी साहब को क्या परेशानी है? क्यों से? क्या परेशानी है? मुझे परेशानी है कि रंजन ओम कश्यप का नाम एनआरसी में नहीं आया, मेरा नाम नहीं आया, आप तो बच जाएंगी। अब फिर आप वही, अरे मैं ना आपका आ रहा है ना मेरा आ रहा है, आप भी इसी मुल्क के हैं, मैं भी इसी मुल्क की हूं। आप समझ नहीं रहे, आप भी इसी मुल्क के हैं, मैं भी इसी मुल्क की हूं। सीएबी और एनआरसी को आपको एक साथ देखना जरूरी है मैडम। गवर्नमेंट कह चुकी है, गवर्नमेंट कह चुकी है, क्यों नहीं करना चाह रही गवर्नमेंट? पहले एनआरसी करना था मुल्क में, बाद में सीएबी करना था। आपका नाम तो है ना एनआरसी में, क्या एक सेकंड, कैसे मालूम? मैडम देखिए, भारत के 120 करोड़ लोगों को यह सरकार लाइन में खड़ा करने वाली है और सबको फॉरेनर्स बनाएगी और कई लॉ डॉक्यूमेंट्स बताओ। फिर डर लॉ डॉक बिल्कुल होगा, ये देखिए अगर जिस दिन होगा आप आज तक बुलाएंगे मुझे, आप जिस दिन होगा आज तक बुलाएंगे मुझे। आपका आधार कार्ड है या नहीं जी? किसका आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है? ठीक है, आपके पास अन्य दस्तावेज है ना? मैं तो कौन सा दस्तावेज होगा? अगर मेरे दादा जान का सर्टिफिकेट पूछेंगे कहां से लाऊंगा मैं, कहां से लाऊंगा बताइए आप। मैं एक ये आप इस पर आप क्लैरिटी दीजिए, क्योंकि फिर यहीं से डर और अफवाह। देखिए सिटीजनशिप, वैसे वैसी जी आप जितना बोलते हैं उतना इनको फायदा होता है। मैं सिटीजनशिप के लिए जितना आप बोलते हैं उतना इनको फायदा होता है। आप तो कांग्रेस की तरह बोल रही है अभी, नहीं आप तो भी कांग्रेस की जबान बोल रही है। बीजेपी को फायदा होता है, इसका मतलब ये है कि आप राहुल गांधी को काबिल मानती हैं और मुझे उनसे ज्यादा काबिल मानती हैं। नहीं, आपने तो सबका काम ही बंद कर दिया है। जिस तरह से आप विपक्ष की भूमिका इस वक्त अदा कर रहे हैं देश में, आपका प्रतिद्वंदी भी, आपका विरोधी भी आपकी प्रशंसा कर रहा है कि आप जिस तरह से तर्क और दलीलों के साथ संसद में, मैं एक ही तो सवाल कर रहा हूं, जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। वो कह रहे हैं एनआरसी अभी फाइनल नहीं है। क्या ये है उनका जवाब? अरे ये ऐसे मंत्री है कि आसाम एनआरसी को नहीं मालूम। ये जो कंफ्यूजन, क्योंकि कौन कौन से दस्तावेज जरूरी है, कंफ्यूजन के साथ कॉन्स्पिरेसी जुड़ी हुई है इन सारे भाइयों की। अब आप सुनिए मेरी बात, आपने कहा एनआरसी में सर जल्दी से पाकिस्तान का रिश्ता जोड़ दीजिए। नहीं आप पाकिस्तान मत जाइए, आपको कोई पाकिस्तान नहीं भेजेगा, फिक्र मत करिए, किसी मुसलमान को नहीं भेजेगा, ये भी मैं बता देता हूं आपको। एनआरसी आप भेजा भी नहीं सकते। एनआरसी देखिए, एनआरसी में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आप कह रहे हैं ना कि डॉक्यूमेंट है ही नहीं। 25 मार्च 1971 में इलेक्ट्रॉल रोल में उसका होना चाहिए नाम। आपने 31 दिसंबर 2014 क्यों रखा? आप सुना 31 दिसंबर 2014 क्यों रखा आपने? आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो है, आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो है कि हम 19 आसाम अकॉर्ड को मानते हैं, फिर आप 2014 क्यों रख रहे हैं? इसी तो कंफ्यूजन है। अभी आप क्यों रख रहे हैं? नहीं, क्या रखा हुआ है मैं बता रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ। नागरिकता प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, बैंक और LIC दस्तावेज, स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, एजुकेशनल प्रमाण पत्र, शरणार्थी पंजीकरण प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें हैं, एक लंबी सूची है। और इसलिए ये किसी भी भारतीय नागरिक के पास इनमें से कुछ ना हो ये इम्पॉसिबल है। लेकिन जो आपने बात कही कि कुछ लोग इसमें बाहर हुए, बाहर होने के बाद वो प्रोसेस चल रहा है, उनको सरकार मदद कर रही है कानूनी कि आप अपने ये डॉक्यूमेंट्स लाइए, हम उसको आपको इस NRC रजिस्टर में शामिल करेंगे। वो भी नहीं मिलता तो वो ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, ट्रिब्यूनल से नहीं मिलेगी न्याय तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस है, कोई प्रोसेस क्यों गुमराह कर रहे हैं देश को आप? नहीं नहीं, ये देखिए अभी इतनी देर के बाद ये अपनी गलती को माने, ये आसाम के NRC के डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके बावजूद भी मुख्तार अब्बास नकवी साहब 5,40,000 बंगाली हिंदू के नाम नहीं आए, आपने आ जाएंगे। ये अभी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ। सर मुझे एक बार बोलने दीजिए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो आपने बनाया है, आपने कह दिया कि डॉक्यूमेंट्स की जरूरत ही नहीं है, किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, उसकी वजह से इसमें फायदा पहुंचेगा। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे देश को तो आप बांट रहे हैं। आप ये बताइए, आप तो कानून नहीं पढ़ते, आप ये बताइए, पढ़ नहीं पढ़ते, आप इतने काबिल आदमी हैं। मैं काबिल हूँ इसलिए बता रहा हूँ आपको, गलती बता रहा हूँ आपकी। एक्ट जो है एक्ट में डॉक्यूमेंट्स के जिक्र ही नहीं है। सिटीजनशिप एक्ट हिंदुस्तानियों के लिए है या उन देश के 3 देशों के नागरिकों के लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए, बताइए ना आप। अरे आप तो उसको हिंदुस्तान के लोगों के साथ जोड़ के देख रहे हैं, जबकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए, पीड़ित अल्पसंख्यकों के लिए, प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के लिए। साहब मुख्तार साहब प्लीज समझिए,
आप इतने इग्नोरेंट मत बनिए, आप डरते होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। डरने की जरूरत है ना डराने की जरूरत है, आप डराना कम कर दीजिए देश के लोगों को। सर मैं आप डरते होंगे मोदी से, मैं बता रहा हूँ आपको सर, तो आप भी डरते हैं। नहीं सर नहीं डरते, खुदा से डरते हैं सर, सिर्फ अल्लाह से डरते हैं सर, मोदी खुदा नहीं है सर, कोई डरने की चीज नहीं, इंसान है, आज है कल चले जाएंगे। खुदा से सब डरते हैं। सर सुनिए एक बात बताइए, ये आप जो पढ़ रहे हैं आसाम का है, आपने एक्ट पास किया सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें आप कह रहे हैं कि कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि आप आसाम में वो 540,000 बंगाली हिंदू को सिटीजनशिप देंगे और 500,000 आसाम के बंगाली मुसलमान को नहीं देंगे, ये डिस्क्रिमिनेशन है। और जब पूरे मुल्क में एनआरसी होगा तो जितने मुसलमान का नाम नहीं आएगा, मुझे तो सीएबी से फायदा नहीं होगा, यही तो आप कर रहे हैं।